आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7 का मैथमेटिक्स चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया, उसकी एक्सरसाइज 11.1। चैप्टर 11 है उसका एक्सरसाइज 11.1 के जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। रेक्टेंगुलर शेप में एक जमीन है, लैंड है, उसकी लेंथ है 500 मीटर एंड ब्रेथ है 300 मीटर। यहाँ दिया है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर। लेंथ एंड ब्रेथ का है पहला जो वैल्यू है वो 500 मीटर लेंथ के लिए है और ब्रेथ है 300 मीटर। रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहला वैल्यू लेंथ के लिए है और दूसरा वाला ब्रेथ के लिए, ठीक है। फाइंड इट्स एरिया, अब जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है उसका एरिया निकालना है। और दूसरा है द कॉस्ट ऑफ लैंड, लैंड की कॉस्ट निकालनी है। इफ 1 square meter ऑफ द लैंड कॉस्ट ₹1000, तो 1 square meter का 10,000 है, सॉरी, ठीक है। तो 1 square meter जो लैंड है उसकी कॉस्ट है ₹10,000, उसका हमें कॉस्ट भी निकालना है लैंड का। तो स्टार्ट करते हैं, पहले जो हमें यहाँ दिया है वो लिख लेते हैं। हमको पहले लेंथ दी है वो है l इज इक्वल टू 500 मीटर, ब्रेथ वो है 300 मीटर, ठीक है। तो पहला जो वैल्यू निकालना है वो है एरिया, लैंड की एरिया निकाल लेते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन एरिया ऑफ लैंड, अब यहाँ पे जो लैंड है वो रेक्टेंगुलर शेप में है तो उसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे एल है 500 मीटर इंटू ब्रेथ है 300 मीटर, ठीक है। तो जो भी एरिया आएगा वो क्या आएगा, स्क्वायर मीटर में आएगा। तो पहले हम 500 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पीछे जीरो है उतने जीरो ऐड कर देंगे, इसे कोरल में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 3 का होता है 15 और बाकी जो है 1 2 3 4, तो 4 जीरोस लगा देना है। तो एरिया ऑफ लैंड हो जाएगा 150,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब ये एरिया निकालिए, अब दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ लैंड निकालना है। तो 1 square meter इज इक्वल टू 10,000 रुपीज, ठीक है। 1 square meter का कितना है 10,000 रुपीज उसकी कॉस्ट है। तो हमारा जो लैंड की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ लैंड इज इक्वल टू, तो 1 square meter का 10,000 है। तो यहाँ पे जो एरिया है तो एरिया ऑफ लैंड इंटू 10,000, ठीक है। तो एरिया ऑफ लैंड है 150,000 इंटू 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमको ये 15 इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा 15। यहाँ 1 है इसलिए सीधा ओरली कर लेंगे 15 इंटू 1 15 और 1 का मल्टीप्लाई 15। अब जो बचे जीरो, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरोस यहाँ पीछे रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये लैंड की कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। रुपीज यहाँ देखेंगे तो ₹150 करोड़ ये लैंड की कॉस्ट आई है। तो हमें ये दो आंसर निकालने थे, एक तो लैंड का एरिया है वो है 150,000 स्क्वायर मीटर और लैंड की कॉस्ट हो रही है 150 करोड़, ठीक है। तो यही हमको दो वैल्यू ढूंढनी थी क्वेश्चन 1 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। ये स्क्वायर पार्क है, ठीक है। स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर यहाँ पे दिया गया है, तो एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 320 मीटर, ठीक है।
तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क कैसे होता है, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 320 मीटर। ठीक है, तो हम पहले साइड निकाल लेते हैं, 320 अपॉन 4, तो जो स्क्वायर की साइड हो जाएगी वो है 80 मीटर। अभी यहाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, वो देख लेते हैं दूसरा हमें क्या ढूंढना है इसमें। ठीक है, हमें इसमें दूसरा एरिया निकालना, सॉरी क्वेश्चन कंप्लीट ही है, यहाँ पे निकालना था, यहाँ पेरीमीटर दिया था, उसको एरिया निकालना था स्क्वायर का। ठीक है, तो स्क्वायर पार्क का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू, स्क्वायर पार्क का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला है साइड रेस टू टू, मीन्स साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे हमने साइड की वैल्यू निकाली है, वो है 80 मीटर। ठीक है, तो हमको पेरीमीटर दिया था, पेरीमीटर निकलता है 4 इंटू साइड करके, तो साइड अगर निकालना है तो ये पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दो, तो साइड मिला 80। तो यहाँ 80 मीटर इंटू 80 मीटर करेंगे, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 8 × 8 कर दो 64, और पीछे दो जो जीरो है वो रख देना है, तो 6400 स्क्वायर मीटर वो पार्क का एरिया है। तो इस तरह से हमें पेरीमीटर दिया था और हमें पार्क का एरिया निकालना था, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट का साइड दिया था, उससे पहले हमें लैंड का एरिया निकालना था, फिर वो लैंड की कॉस्ट निकालते नहीं थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो रहा है, कॉपी कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। प्लॉट ऑफ लैंड है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप में, मीन्स उसकी लेंथ एंड ब्रेथ है इसमें। इफ इट्स एरिया इज, अब ये लैंड का एरिया दिया है 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड द लेंथ इज 22 मीटर, उसकी लेंथ दे दी है, एंड ऑल्सो फाइंड पेरीमीटर। तो हमें यहाँ एक ब्रेथ निकालना है और दूसरा जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका पेरीमीटर, मीन्स उसकी बाउंड्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बाउंड्री की लेंथ निकालनी है। ठीक, तो पहला हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहला तो एरिया दिया है, एरिया ऑफ प्लॉट, तो एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब प्लॉट का एरिया निकालना है, रेक्टेंगुलर शेप है तो एल इंटू बी करके निकालेंगे 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमको प्लॉट का जो है लेंथ दिया है 22 मीटर। ठीक है, तो लेंथ की प्लेस पे 22 मीटर लिखेंगे इंटू बी इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 22 मीटर। अब ब्रेड को यही रहने, तो 440 जो स्क्वायर मीटर एरिया है उसको हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसकी ब्रेड हमें मिलेगी 20 मीटर, ये मीटर स्क्वायर है, इसमें से 1 mm 2 mm है ऊपर और नीचे, एक सिंगल है, तो ये एक सिंगल कट जाएगा और डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 20, तो 20 मीटर ब्रेड है। अब ब्रेड मिल गई है। ठीक है, पहला तो हमको ब्रेड बोला था, तो पहला आंसर हमको ये ब्रेड मिला, और दूसरा क्या है, हमको पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट। ठीक है, प्लॉट का पेरीमीटर तो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो 2 × (l + b) ये फॉर्मूला है पेरीमीटर रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगल का निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और l हमारे पास पहले से ही काम होता है 22 मीटर। ठीक है, 22 मीटर प्लस, ठीक है, और ब्रेथ जो है वो अभी हमने फाइंड किया वो है 20 मीटर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 22 × 20, तो जाएगा 42 मीटर, और 42 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 मीटर। तो पेरीमीटर होता है वो मीटर में आता है, और एरिया तो हमको दिया था, हमें ब्रेथ निकालना था और पेरीमीटर जो हमने अभी निकाल लिया। ठीक है, ये दो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट,
रेक्टेंगुलर शेप की पेरीमीटर दी गई है 100 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। ये जो शीट है ठीक है उसका हमको लेंथ दिया है 35 मीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ, एक तो हमें ब्रेथ निकालना है और दूसरा फाइंड द एरिया, ये शीट का एरिया भी निकालना है। तो पहले हम पेरीमीटर दिया है वो लिख लेते हैं, द पेरीमीटर ऑफ शीट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और ये पेरीमीटर जो दिया है शीट का वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 × एल प्लस बी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे सब वैल्यूज रख देते हैं, एल हमारे पास है 35 मीटर प्लस बी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये जो 2 है मल्टीप्लाई ठीक है, एल और बी का प्लस करना है और उसे मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई तो इक्वल के इधर आएगा वो 100 से डिवाइड हो जाएगा और इधर रह जाएगा 35 प्लस बी, बी यही रहेगा और इनका डिवीजन होने के बाद वैल्यू आएगी 50 ठीक है। और ये 35 जो बी के साथ ऐड है इधर आएगा वो हो जाएगा माइनस ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर। और ये भी जो है वो 35 cm में दिया है, तो यहाँ 35 cm लिखेंगे माइनस, यहाँ पे ये 35 ऐड हुआ है इधर आके माइनस हो जाएगा 35 सेंटीमीटर ठीक है। तो बी मिलेगा हमको 15 सेंटीमीटर ठीक है। तो जो रेक्टेंगुलर शीट थी उसका ब्रेथ हमें मिल रहा है 15 और हमको लेंथ दिया है 35। अब इसका हमें एरिया निकालना है सेकंड। अब हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया होगा वो होगा एल इंटू डी ठीक है। हमारे पास लेंथ क्वेश्चन में दिया था वो था 35 ठीक है, और हमने उसके बाद निकाला है ब्रेथ 15, तो इसका मल्टीप्लाई कर देना है तो 525 स्क्वायर सेंटीमीटर जो रेक्टेंगुलर शीट है उसका एरिया आएगा ठीक है। तो इस तरह से हमें 2 वैल्यूज निकालनी थी क्वेश्चन फोर्थ में, एक निकालना था रेक्टेंगुलर शीट का ब्रेड निकालना था और दूसरा एरिया, जो ये ब्रेड है 15 और एरिया है 525 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन 3 और 4 यही सॉल्व हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं ठीक है, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5th है, 6 सॉल्व करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5th में है द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो एरिया जो है स्क्वायर पार्क का वो कितना है, जितना एरिया रेक्टेंगुलर का है वो दोनों का सेम है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। और अब यहाँ पे देखो एरिया स्क्वायर का और रेक्टेंगल का सेम है, स्क्वायर का यहाँ पे लेंथ दिया है 60 मीटर और जो रेक्टेंगल जो पार्क है उसकी लेंथ दी है हमको 90 मीटर। यहाँ पे कहा गया फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क का हमें ब्रेथ निकालना है ठीक है। तो अगर दोनों का एरिया सेम है तो यहाँ पे हम एरिया निकाल सकते हैं स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर की सब साइड इक्वल होती है। तो यहाँ 60 मीटर अगर एक साइड है स्क्वायर की तो हम इससे हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू साइड इंटू साइड का ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर पार्क है उसका जो साइड है 60 मीटर है, तो 60 मीटर इंटू 60 मीटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 36 और पीछे लगा देंगे 2 0 ठीक है, तो 3600 स्क्वायर मीटर आया है। अब हमें बोला है कि पहले कहा है कि स्क्वायर का और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया सेम है, तो यहाँ पे स्क्वायर का जो है और स्क्वायर पार्क का साइड दिया है, अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर का लेंथ दिया है तो हमें निकालना है ब्रेड ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि
दूसरा जो है सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। दोनों का एरिया सेम बोला है हमको, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क निकालने के लिए हमको फॉर्मूला है हमारे पास एल इंटू बी, और स्क्वायर पार्क का एरिया हमने ये निकाला है, वही यहाँ पे वैल्यू रख देना है, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ हमको दिया है, लेंथ जो है रेक्टेंगुलर पार्क की है 90, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 90 मीटर इंटू बी इज इक्वल टू 3600 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे 3600 स्क्वायर मीटर है, उससे ये 90 मीटर जो है ब्रेड से मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 90 और 360, ठीक है। और एक जीरो और लगाना है, तो ब्रेड इसकी हो जाएगी 40 मीटर जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यही हमको निकालना था, तो यहाँ पे स्क्वायर का और स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया सेम था, तो उससे हमें इस तरह से ब्रेड निकालनी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, अ वायर इज इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक वायर है उसको रेक्टेंगल शेप में बेंड कर दिया गया है, बराबर। इट्स लेंथ इज 40 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 22 मीटर, ठीक है। तो हमें वायर की पहले लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वायर की लेंथ निकालने के लिए तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये फॉर्मूला यूज हमें करना पड़ेगा, 2 × L + B। इसमें हम जब ये जो रेक्टेंगल शेप में वायर को बेंड किया गया है उसमें लेंथ और ब्रेड को रखेंगे तो हमें लेंथ की वायर मिलेगी, वायर की लेंथ मिलेगी यहाँ पे 2 × L, यहाँ लेंथ जो है वो है 40 मीटर प्लस उसकी ब्रेड है 22 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 62 × 2, 2 × 4, 6 × 12, तो ये हमको मिल रहा है 124 सेंटीमीटर जो है वो वायर की लेंथ है। अब इसको क्या किया है, इसी वायर को स्क्वायर में पहले उन्होंने रेक्टेंगुलर शेप में बेंड किया था, तो ये सब टोटल वायर की लेंथ जो है वो 124 सेंटीमीटर आ गई। अब इसी को क्या करना है, स्क्वायर शेप में उसको बेंड कर देना है, इस वायर को खोल के वापस स्क्वायर में करना है, तो उसके लिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पे साइड इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर मिल गया है, क्योंकि वो जो रेक्टेंगुलर शेप में वायर था उसी को खोल के वापस स्क्वायर बनाना है, तो ये दोनों का पेरीमीटर इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 124 इज इक्वल टू साइड इंटू 4, तो ये 124 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमको साइड मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी साइड जो होगी स्क्वायर की वो हो जाएगी 31 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा हमें कहा गया है कि व्हाट विल बी मेजर ऑफ ईच साइड, तो साइड जो है स्क्वायर, स्क्वायर की साइड हमने निकाली, ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज इज मोर एरिया, मीन्स ये रेक्टेंगुलर वायर हमने बेंड किया, बराबर, इसके जो अंदर का एरिया है वो, और ये हमने इसी वायर को जब हम स्क्वायर शेप में रखा तो इनका एरिया में कौन से शेप ज़्यादा, कौन से शेप का एरिया ज़्यादा है वो ढूंढना है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 40 × 22 इज इक्वल टू 880 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड 31 × 31, ठीक है। तो 31 × 31 उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं
961। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है रेक्टेंगल से, तो यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज इज मोर एरिया, तो स्क्वायर शेप आंसर आएगा स्क्वायर शेप एनक्लोज इज मोर एरिया, क्योंकि यहाँ पे 961 बिकॉज करके लिख देंगे, बिकॉज 961 ग्रेटर देन 880, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 में दिया है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है 130 सेंटीमीटर, इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 cm ब्रेथ दिया है रेक्टेंगल का, फाइंड इट्स लेंथ, एक लेंथ की वैल्यू निकालनी है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया भी निकालना है, दो वैल्यूज निकालनी है यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 1। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L + D, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर यहाँ दिया है, ठीक, और इधर हम सारा दूसरा वैल्यूज कर देते हैं। L जो है वो है L दिया नहीं है, L निकालना है, और ब्रेड दिया है 30 cm, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर, ये 130 cm, ठीक है। अब क्या करना है, ये मल्टीप्लाई है L प्लस 30 से, तो ये इक्वल के लेफ्ट में आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट हटा देना है L प्लस 30, और यहाँ मिलेगा हमको 65 cm, और यहाँ रहेगा L प्लस 30। अब L को यहीं रहने दो, और ये 65 cm में से ये 30 cm था हमारा ब्रेड, ठीक है, तो 30 cm माइनस करेंगे तो L मिलेगा हमें 35 cm, ठीक है। एक हमने लेंथ निकाला, अब लेंथ निकालना था हमें कहा गया था कि इसको लेंथ निकालना और दूसरा एरिया निकालना, तो सेकंड सॉल्यूशन आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल एल इंटू बी। तो हमारे पास बी पहले से दिया गया है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है 30, तो यहाँ लिखेंगे 30 cm, और लेंथ है 35 cm, 35 × 3 होता है 105, ठीक है, और ये एक जीरो पीछे रख देंगे हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो है रेक्टेंगल का एरिया मिला, पहले हमें लेंथ निकालना था, लेंथ के बाद हमें उसका एरिया निकालना था, तो रेक्टेंगल का लेंथ है 35 और उसका एरिया हो जाएगा 1050 square centimeter। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, अ डोर ऑफ लेंथ 2 meter, लेंथ 2 meter एंड ब्रेड 1 meter इज फिटेड इन अ वॉल, तो एक सपोज ये वॉल है, उसके अंदर एक डोर फिट किया गया है, ये डोर है, ठीक है, वो 2 meter उसकी हाइट है और 1 meter उसकी ब्रेथ है, ठीक है, और उसके बाद वॉल दिया है वो 4.5 meter उसकी लेंथ है, और दूसरा 3.6 meter, बराबर 3.6 meter उसकी ब्रेथ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज इफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज, देखो यहाँ पे कॉस्ट निकालना है हमको, तो यहाँ पे कॉस्ट निकालने के लिए पर स्क्वायर मीटर का उसके कॉस्ट भी है कि 20 rupees पर स्क्वायर मीटर चार्ज कॉस्ट का है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ द वॉल, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग
if the cost of y washing rupees 20 per square meter, ठीक है, if the rate, ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या करना था, ये वॉल है एक, उसमें एक डोर है, ठीक है, वो 2 मीटर है एक लेंथ और 1 मीटर वो वाइड है, 2 मीटर उसकी हाइट और 1 मीटर वाइड है, और यहाँ पे 4.5 मीटर उसकी लेंथ है वॉल की और 3.6 मीटर उसकी ब्रेथ है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो वाइड वॉशिंग का कॉस्ट निकालना है और यहाँ पे रेट दिया है पर स्क्वायर मीटर का 20 रुपीज रेट है। तो हमें क्या करना है, ये जो डोर है उसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, किस में से, ये जो पूरा वॉल है उसके एरिया में से, ठीक है। तो हमें एरिया जो है वो निकालना पड़ेगा वाइट वॉशिंग करने का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ वॉल फॉर वाइट वॉशिंग, एरिया ऑफ वॉल फॉर वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग करने के लिए वॉल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, ठीक है, तो एरिया ऑफ वॉल, यहाँ पे वॉल का एरिया निकालना है तो उसका एल इंटू डी करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी डोर का एल इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3.6 मीटर एंड 4.5 मीटर, तो 4.5 मीटर वॉल का लेंथ है और 3.6 मीटर उसकी ब्रेथ है, और डोर की है 2 मीटर उसकी लेंथ है और उसकी ब्रेथ है 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4.5 इंटू 3.6 1620। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पे भी है, तो ये 16.2 स्क्वायर मीटर ये जो है वो हमारे टोल का वॉल का एरिया है। अब उसमें से माइनस 2 इंटू 1 2, ठीक है, तो 16.2 मीटर में से 2 मीटर लेस कर देना है 2 स्क्वायर मीटर, तो यहाँ आएगा 40.2 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब इसी का हमें कॉस्ट निकालना है वाइड वॉशिंग का, तो 1 स्क्वायर मीटर वाइड वॉशिंग कॉस्ट ₹20 इज इक्वल टू ₹20, तो यहाँ पे आ रहा है 40.2 स्क्वायर मीटर वाइड वॉशिंग कॉस्ट इज इक्वल, तो ये 14.2 है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 2 2 4 2 4 8 2 1 4 2 4 8 2 1 2 ₹284, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेसिमल कट करना है, डेसिमल के पीछे एक है, तो पहले इनका मल्टीप्लाई सिंपली कर लेना है और उसमें से क्या करना है हमको, एक डेसिमल कट करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है।